अभी आप देख रहे थे वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि धाव सर रो रहे हैं, परेशान है ना। बहुत सारे टीचर बेइज्जती भी कर रहे हैं उनकी, और मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि कमल सर वो धाव सर को बुला रहे हैं कि मैं आपको 15,000 रुपये, 1500 रुपये घंटा दूंगा, मैं 1000 रुपये घंटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगी। सर धाव सर को आप बुला लो अपने पास, सर धाव सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपके साथ पढ़ा लेंगे, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। बच्चों धाव सर के पास अपना चैनल है, वो अभी कठिन परिस्थिति में है, बुरा दौर सबका आता है। हाँ वो उस दौर को सहन नहीं कर पाए और उनके इमोशंस बाहर आ गए, लेकिन बच्चों मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की नीड है। जो क्योंकि जो लोग उनकी वीडियो बना कह रहे हैं ना कि धाव सर मैं तुम्हें इतने रुपये दे दूंगा दे दूंगी, वो पहले उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और फिर सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई या तो फिर आप आदमी के साथ खड़े हो जाओ कि सर आप परेशान हो, सर मैं आपको अपने पास रखूंगा, मैं आपसे पढ़वाऊंगा, आप परेशान मत हो, मैं आप निश्चिंत रहो, पैसों की बात हम कर लेंगे। पर आप पहले तो आदमी की बेइज्जती करते हो, फिर कहते हो 1500 रुपये घंटा दे देंगे, 2000 रुपये घंटा दे दोगे। मतलब पर्सनली मुझे गलत लग रहा है, मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, कहना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग बच्चे मुझे नेगेटिव ले ले कि कमल सर आप क्यों कूद रहे हो बीच में, लेकिन जब सब अपनी राय रखने हैं तो मैंने भैया रख दी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि या तो आप बिल्कुल तटस्थ रहो कि हम ना तो सपोर्ट में बोलेंगे और ना ही हम इनके खिलाफ बोलेंगे, या फिर आप खिलाफ बोलो, आप पहले कमी गिना तो ये है वो है, ये झूठ है गलत है, फिर आप परेशान ना हो, हम तुम्हें जॉब भी देंगे, तुम इतने बड़े दानवीर बन रहे हो यार, ये तो गलत है ना। और ये वो फ्री पढ़ाया, ये करा, पेड कोर्स बेचा, सब पेड कोर्स बेच रहे हैं, मैंने सबको देखा है। जो भी ये लोग करते हैं ना आगे कॉन्ट्रोवर्सी में कूदते हैं, वो सब लोग पेड कोर्स बेचते हैं। कोई 1 रुपए का बेचता है, फिर 99 का बेचता है, फिर 200 का भी बेचते हैं, फिर 500 का बेचते हैं, 1000 का भी बेचते हैं। तो मैं तो सबसे ये कहूंगा भैया किसी पे इतना कीचड़ मत उछालो यार, उसकी जिंदगी बेचारे की बर्बाद हो जाए, है ना, ऐसा मत करो, ठीक है ना। नेगेटिविटी मत फैलाओ, और अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव कहते हैं ना तो पहले हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मान लो कि सर गलत है, मैंने कह दिया मान लिया सर गलत है, तो गलत रहने दो, हम क्यों कूदे बीच में, वो गलत है सही है, आप रो लो, चलो रोना एक बार चलो। तो बच्चों आपसे भी एक बात कहूंगा कि आप क्यों इसमें आप कूदो मत कि धासु सर क्या है कैसे है। जहां पढ़ते हो आप, किसी से भी पढ़ते हो, वहां पढ़ते रहो। देखो मेरा एक फंडा है, मुझे पता है, जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूं तो मेरा बैच वो बच्चे खरीदते हैं जो बच्चे मेरी लाइव क्लास लेते हैं, जो मुझसे पढ़ते रहते हैं। जैसे मैं कोई बैच मान लो सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं, मान लो इस शब्दों में, तो मेरा बैच वो बच्चे रहता है जो मुझसे पढ़ रहा है, इन सर का बैच वो लेगा जो इनसे पढ़ रहा होगा, फलाने सर का, किसी और सर का, कोई भी। आप खुद एक स्टूडेंट हो, आप बताओ आप कहां पैसे दोगे पढ़ने के लिए। मुझे पता है बच्चों पढ़ने के लिए कोई पैसा मैटर नहीं करता, सामने वाले में गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता है बच्चा फीस देता है। बात सिर्फ इतनी सी है, हम सोचते हैं कि मेरे इतने व्यूज आ जाएंगे तो पैसे आ जाएंगे, है मैं नाम कमा लूंगा, इस चीज से कुछ नहीं होता। बच्चों आप कहीं ध्यान मत दो, आप अपने पढ़ने पे ध्यान दो, एग्जाम सारे निकट आ रहे हैं, अपना मेहनत करो, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उस पे आप गोले, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से, आप इस कंट्रोवर्सी में मत फंसो। थैंक यू, नमस्कार, अपना ध्यान रखो, मेहनत करो, और जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।